गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वी आर हेयर टू टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू मेरिस्टेम. ओके, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मेरिस्टेम. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑलरेडी डन. हमने मेरिस्टेम में जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया थे, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बेस ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, जिसमें फर्स्ट बेस जो था हमारा, दैट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन. ओके, बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ अ मेरिस्टेम. जब हम प्लांट की बात करते हैं तो नॉर्मल मेरिस्टेम कहाँ पे है, प्लांट के अंदर किस पोजीशन पे है, उसके बेसिस पे हमने क्या किया था. वी आर सेग्रीगेटिंग थ्री टाइप्स. ओके, जस्ट फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड वन इज इंटरगैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज लैटरल मेरिस्टेम. वी हैव ऑलरेडी टॉट देयर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट टॉपिक्स. ओके, एपिकल मेरिस्टेम, जस्ट आई एम गिविंग यू अगेन दिस टाइप ऑफ आइडिया. एपिकल मेरिस्टेम, जस्ट वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल राइट नाउ. जैसे हमने नॉर्मली प्लांट की बात करी, ओके, दिस इज एपिकल. एपिकल दैट मीन्स दोज आर सिचुएटेड ऑन द टॉप पोजीशन. ओके, जो रूट जो है वो बनेगी या स्टेम जो बनेगा, एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, जब एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना होता है, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल इन रेस्पेक्ट टू स्टेम. ओके, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो इजिली एसेस कहाँ कर पाओगे आप, उसके स्टेम के अंदर कर पाओगे. क्लियर? तो हमने एग्जाम्पल लिया कि जो स्टेम का टिप पार्ट है वो उसकी क्या करता है, हाइट को इंक्रीज करता है. क्लियर? तो उस हाइट को इंक्रीज करने के अकॉर्डिंग वी हैव ऑलरेडी सेग्रीगेटेड लाइक दिस. इस तरीके से हमने इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट वन ये वाला जो हमने बताया, ये हो गया एपिकल, जो उसके टॉप पार्ट पे है, जो उसकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है. क्लियर? सेकंड जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, दोज आर सिचुएटेड इन बिटवीन नोड्स. नोड्स के बीच का जो रीजन था, दिस इज नोन एज इंटरनोड. ओके, ये इसके बीच का जो रीजन है, यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो इंटरगैलरी मेरिस्टेम के थ्रू होगी. ओके, जस्ट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द एग्जांपल इन रेस्पेक्ट टू शुगर केन. हमने बात करी थी कि नॉर्मल उसके बीच में जो हम बात करते हैं, आप उसे स्लाइस बोल दो या पार्ट बोल दो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइन्स होती हैं बीच में. क्लियर? तो वो वाला जो पार्ट था हमारा, दैट वॉज इंटरगैलरी मेरिस्टेम. एंड थर्ड वन इज लैटरल मेरिस्टेम, दिस टाइप ऑफ मेरिस्टेम. ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ जस्ट लाइक गिर्थ, जो इसका डायामीटर इंक्रीज होगा. अब आप इस एग्जांपल को इस तरीके से समझो, व्हेन अ सीडलिंग ग्रोज इनटू अ प्लांट, जैसे वो प्लांट बना रहा है, फिर वो प्लांट बना के ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दैट मीन्स दिस इज अ कंप्लीट मैच्योरेशन स्टेज. ओके, जब वो कंप्लीट प्लांट बन प्लांट जो है वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी स्टेम की गिर्थ, उसका डायामीटर बढ़ जाता है. ओके, तो ये जो डायामीटर इंपॉर्टेंट है, जो बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, दैट वॉज लैटरल मेरिस्टेम. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट टॉपिक्स. नाउ टुडे वी आर टेकिंग अबाउट नेक्स्ट, दैट वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. ओके, सेकेंड जो हम टॉपिक लेंगे ये हमारा है ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे. अब आपको एक सपोज वर्ड से ही पता लग रहा है कि जो क्लासिफिकेशन बेस है ये किस चीज़ के ऊपर बेस है. जो हमारा ओरिजिन है, दैट मीन्स वो कैसे बना है. क्लियर? जैसे हम नॉर्मली ये कह देते हैं कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है. ओके, एंड नेक्स्ट वन सेकंड इज डेवलपमेंट, दैट मीन्स आफ्टर ओरिजिन हाउ कैन इट डेवलप. वो आगे जाके ट्री का किस तरीके से फॉर्मेशन करेगा, या उसके अंदर किस तरीके की ब्रांचेस बनेंगी, किस तरीके का उसका सिस्टम होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे. ओके, so now according to this topic we have segregated into three subparts, that is first one is promeristem, second is primary meristem, and last one third is secondary meristem. Don't be confused about both the words, this is promeristem and this is primary meristem. There is a huge difference in between both the terms. Pro means hota hai primitive. Is pro ka meaning hi kya hai, primitive. ओके, तो आप इसी वर्ड से इसे ध्यान रखेंगे. प्रिमिटिव का मीनिंग होता है पुराना, ओल्ड वन. क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, जो पुराना है. अब पुराना कौन सा वाला, अब हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे एसेस करेंगे कि किस तरीके का पुराना है या कौन सा वाला नया बन रहा है. ओके, तो ये एग्जैक्टली होगा क्या, जब प्लांट बनना स्टार्ट होता है. ठीक है, जस्ट लाइक ग्रोइंग जो एरियाज हैं उसमें, चाहे आप शूट की बात करें, आप रूट की बात करें. क्लियर? बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लीव्स और ब्रांचेस. ओके, तो हमें बात किसकी करनी है, जो रूट एपिक्स बन रहे हैं या शूट एपिक्स बन रहे हैं, जिनके अंदर ग्रोइंग पार्ट या ग्रोइंग रीजन है, वो वाले मेरिस्टेम मिलेंगे. किसकी अकॉर्डिंग, प्रो मेरिस्टेम की अकॉर्डिंग. तो ये हमारा किसमें हो गया, ओरिजिन और डेवलपमेंट में फर्स्ट सब टाइप. ओके, सेकेंड हमारे पास में है प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम में हम नॉर्मली क्या कहते हैं, ये कहाँ पे मिलेगा,
जब प्रो मेरिस्टेम बन जाता है, उसका जैसे ही हम ये कहें कि उसका कम्प्लीटली डेवलपमेंट हो गया या उसका फॉर्मेशन कम्प्लीट हो गया, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रो मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम विल ओरिजिन, ओके ये बनेगा, और इसकी जो पोजीशन होगी, लोकेशन ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम इज अपॉन, दैट मीन्स ये बन गया है तो उसके नीचे का जो एरिया है उस वाले एरिया में किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होगा, ओके ये इंपॉर्टेंट होगा, ये मिलेगा कहाँ पे, इसकी पोजीशन या लोकेशन अगर हमसे पूछी जाती है, एट रूट एंड शूट एपेक्स, ओके इन टॉपिक्स में आपको इस चीज़ पे ज़्यादा कंसर्न करना है कि बेसिकली उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ अ टर्म, जो भी टर्म आपके सामने है आपको उसका बेसिक मीनिंग ध्यान रखना है, ओके यहाँ हमें ज़्यादा ह्यूज स्टडी नहीं करनी है, हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है इसमें, क्लियर। वैसे तो अगर नॉर्मली मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको पोजीशन वाला क्लासिफिकेशन ही दिया है, बट यू हैव टू रीड बोथ द टर्म्स ऑल्सो, ये वाली भी जितनी टर्म्स हैं ये आपको पढ़नी है, ओके नेक्स्ट लास्ट वन इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। जब हम कहते हैं कि सबसे पुराना, दैट मीन्स बेस बन गया है, क्लियर, उस बेस के बाद क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स हम ये कहें, नॉर्मली हम ये टर्म यूज़ करें कि उसके अंदर डिवाइडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ओके जब डिवाइडेशन स्टार्ट हुआ तो प्राइमरी मेरिस्टेम बन गया। प्राइमरी मेरिस्टेम बनने का मीनिंग है कि उसके अंदर रूट्स का और शूट्स का कम्प्लीटली डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है या डेवलपमेंट रनिंग में है, ओके वो सब होने के बाद में लास्ट हमारे पास में आएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम का मीनिंग होता है हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, जो भी यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ है रूट और शूट एपिक्स, उनके अंदर डिवाइडेशन जो है उसको फास्ट कर देता है, क्लियर। तो जब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है, नॉर्मली आपसे ओरिजिन और डेवलपमेंट की बात करता है, तो हर जगह पे आपको जो टर्म यूज़ करनी है, दैट यू हैव टू यूज़ द वर्ड दैट इज़ डिवाइडेशन और रनिंग, जो भी उसके अंदर डिवाइडेशन स्टार्ट हो चुका है या डिवाइडेशन कंप्लीट हो गया है, ये सब किसके रेस्पेक्ट में आएंगे, आपके डेवलपमेंट और ओरिजिन के बेसिस पे, ओके नाउ नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन, दिस वन इज थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, ओके फंक्शन का मीनिंग हम यही कहते हैं कि जो भी काम कर रहा है, क्लियर। जैसे मेरिस्टेम, नॉर्मली अगर हम एक वर्ड ले लें, हमने जब भी मेरिस्टेम वर्ड यूज़ किया, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग, मेरिस्टेम का मीनिंग ही आपको ये समझाया गया है, दैट मीन दोज आर प्रेजेंट एट अ सिचुएशन एट अ पोजिशन, और वो पोजिशन हमारे पास कैसी है, जो ग्रोइंग एज में है, जो ग्रो कर रही है, क्लियर। तो उस ग्रोइंग वाले पार्ट के अंदर जो भी हमारा एक टिश्यू सिस्टम हम बता रहे हैं, वो टिश्यू सिस्टम कौन सा है, मेरिस्टेम, ओके तो ये जो थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन फंक्शन। आप जो मेरिस्टेम कहीं कहीं पे भी मिल रहा है, एपिकल पे मिल रहा है, लैटरल पे मिल रहा है, या किसी भी पोजिशन पे मिल रहा है, वो एग्जैक्टली फंक्शन क्या कर रहा है, ओके सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक। फर्स्ट वन इज प्रोटोडर्म मेरिस्टेम, सेकेंड वन इज प्रोकैम्बियम मेरिस्टेम, एंड थर्ड वन इज ग्राउंड मेरिस्टेम, ओके थोड़ा सा कंसर्न रखते हुए आपको मीनिंग लर्न करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा मे बी पॉसिबल कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो भी सकती है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ इट, क्योंकि इनके अंदर होता क्या है, आपको जैसे सपोज कंफ्यूजन इन दोनों में ही होता है, ठीक है। जब पोजीशन वाला होता है तो पोजीशन वाला तो हमें ऐसे पता चल जाता है कि एपिकल, दैट मीन जो टॉप पे था वो एपिकल हो गया, जो साइड्स में, क्योंकि साइड को हम बोलते ही लैटरल हैं, तो वो साइड्स वाला हो गया तो वो लैटरल पोजीशन हो गई, बचा गया हमारे पास इंटरकैलरी, तो वो अपने आप दो ध्यान रहते हैं, तो थर्ड वाला ऑब्वियसली ध्यान रह जाता है, क्लियर। लेकिन कन्फ्यूज़न हमारा यहीं पे बनता है कि कौन सा ओरिजिन के बेसिस पे है और कौन सा फंक्शन के बेसिस पे है, तो इन दोनों को प्लीज़ कंपेयर करके पढ़ना है, जब भी पढ़ना है दोनों को साथ में पढ़ना है, ओके ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, फर्स्ट इज प्रोटोडर्म मेरिस्टेम, सेकेंड इज प्रोकैम्बियम मेरिस्टेम, एंड थर्ड वन इज ग्राउंड मेरिस्टेम, ओके तो पहले की बात करते हैं, प्रोटोडर्म मेरिस्टेम दैट मीन्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ग्रोइंग रीजन, जहाँ पे जो रीजन ग्रो कर रहा होता है, क्लियर, दैट मीन्स जिसके अंदर ऑलरेडी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, अब वो ग्रोइंग एज में है, वो ग्रोथ कर रहा है, क्लियर। वहाँ पे हमें किस टाइप का मेरिस्टेम मिलेगा, प्रोटोडर्म मेरिस्टेम, क्लियर। ये जो प्रोटोडर्म मेरिस्टेम होगा, एग्जैक्टली दिस टाइप ऑफ मेरिस्टेम
इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब एपिडर्मल को देखो आप कैसे समझाते हो। नॉर्मली अगर आप इस तरीके से जब भी वर्ड्स पढ़ते हो ना, तो आपको ये पता नहीं लगता आउटर सरफेस, कौन सी आउटर सरफेस की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स जो फिजिकली अपीयरेंस आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर, जो उसकी प्लांट की स्किन वाला पार्ट है, जो उसका बार्क वाला पार्ट है, दैट इज एग्जैक्टली एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ओके, जो उसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड होगा, जो उसके सिक्रीशन से रिलेटेड होगा, दोज आर नोन एज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, अब हम इसमें क्या कहेंगे कि प्रोटोडर्म जो है वो इसकी आउटर मोस्ट लेयर, जो भी ग्रोइंग रीजन है उनकी आउटर मोस्ट लेयर को बनाएगा, और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है उसका फॉर्मेशन करता है। क्लियर। नाउ सेकेंड इज प्रोकैम्बियम। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोडर्म, सबसे पहले स्किन जो है वो बन गई है, टिश्यू सिस्टम जो है इसका कंप्लीट हो चुका है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इसमें क्रिएट हो गया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम हमारे पास में आएगा, दैट इज वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। दिस वर्ड हैव ऑलरेडी टॉट, पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया है आपको ये वर्ड। ये वेस्क्यूलर जो है एग्जैक्टली दिस इज जाइलम और फ्लोएम, हमने पढ़ा था ना, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलोकेशन पढ़े हैं हमने, तो वो वाला जो सिस्टम है इसके अंदर, हम वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन की बात करें और या फिर हम फूड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एग्जैक्टली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द वर्ड दैट इज वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कि जब तक एक बॉडी के अंदर, एक प्लांट बॉडी में प्रोकैम्बियम नहीं होगा, तब तक उसके अंदर वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम जो है वो जनरेट नहीं हो पाता। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ग्राउंड मेरिस्टेम। ग्राउंड मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ओके, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मीन्स उसकी बॉडी के अंदर, हम प्लांट बॉडी की बात कर रहे हैं, बार बार जो हम एग्जांपल्स दे रहे हैं, प्लांट बॉडी में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, तो अब हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है। इट इंक्लूड्स हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ। कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे इसके अंदर? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और पिथ। अब हमारे पास में ये भी कन्फ्यूज़न होने लग जाता है कि मैम हाइपोडर्मिस कौन सी होती है, कॉर्टेक्स कौन सा होता है, पिथ कौन सा होता है। ओके, तो इसके लिए डोंट वरी अबाउट दीज टॉपिक्स, दीज आर स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स विच इज़ रिगार्डिंग टू ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट। जब भी हम किसी डाइकॉट प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, उसके अंदर ये सारे पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं। दीज आर एग्जैक्टली इनर लेयर्स ऑफ ट्रांसफर सेक्शन। जैसे हम एक सर्कुलर पाथ में उसका ट्रांसफर सेक्शन ले लें और हम आउटर टू इनर सरफेस की तरफ मूव करें, तो हमारे पास में जो लेयर्स बनती हैं वो लेयर्स कौन कौन सी हैं? हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है और पिथ जो होता है, दिस इज सेंट्रल मोस्ट पार्ट, जो उसका सेंट्रल पार्ट है। ओके, तो ये हमारे पास में जो टॉपिक था हमारा, इस टॉपिक में हमने क्या क्या कवर कर लिया है? क्लासिफिकेशन, मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। मेरिस्टेम का आपको इतना ही टॉपिक लेना है, इससे ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर टेकिंग, दैट इज परमानेंट टिश्यू। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो कौन सा है? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बेसिस पे मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बताई थी कि हम नॉर्मली जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो हमने ये बोला था कि हमें दो टाइप्स मिल रहे हैं इसके, इन टू टाइप्स में फर्स्ट टाइप ऐसा था जिसके अंदर क्लासिफिकेशन डिवाइडेशन जो होता है वो रनिंग में होता है। क्लियर, दैट मीन्स उसके अंदर डिवाइडेशन की पावर जो है वो कंटिन्यू है, डिवाइड एंड रीडिवाइड, इट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ मेरिस्टेम। ओके, एंड परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेम विल कन्वर्ट इन टू परमानेंट टिश्यू आफ्टर कम्प्लीटिंग द डिवाइडेशन। जब उसके अंदर डिवाइडेशन कम्प्लीट हो जाता है, तो वो कौन सा टिश्यू बना देता है? परमानेंट टिश्यू। ओके, अब परमानेंट टिश्यू में भी हमारे पास में टू टाइप्स आएंगे इसमें, ये हमें पढ़ने हैं हमारे नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग। परमानेंट टिश्यूज में हमें टू टाइप्स लेने हैं। ओके, फर्स्ट इसमें हमारे पास में आएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्लियर, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो हैं, इसमें हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे फिर हमारे पास में एक डिवाइडेशन आता है। क्लियर, हमें सेल्स का शेप ध्यान रखना है, सेल्स किसके शेप की मिलेगी? ओवल शेप मिलेगा, डायगोनल शेप मिलेगा, लॉन्गिट्यूडिनल है, कैसा शेप है, वो आपको शेप्स ध्यान रखने हैं परमानेंट टिश्यूज के अंदर। क्लियर, सिंपल पैरेंकाइमा को फिर से हम रिगार्डिंग
एक तरीके से आप ये करना कि अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक कि अगर हम एक्वेटिक प्लांट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम एरनकाइमा की बात करेंगे, नॉर्मली अगर हम लैंड प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम उसमें क्लोरेनकाइमा डिवाइड करेंगे, क्लियर। अगर हम नॉर्मली फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम उसमें कोलेनकाइमा डिवाइड करेंगे, क्लियर है टर्म। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हमें यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, आपको इसकी एक थॉरली रीडिंग लगा के रखना है, ओके। सिंपल परमानेंट टिश्यू को आप डिवाइड करेंगे प्लांट के अंदर किस टाइप का वेरिएशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपका जाएगा उसके अंदर बेसिकली आपको पढ़ना है अगेन जाइलम एंड फ्लोएम, जो नॉर्मली हम जिनको कंडक्शन टिश्यूज कह देते हैं, क्लियर। तो ये जितने भी हमारे पास में हैं उनके लिए जब नॉर्मली एक आपको एक चीज़ का थोड़ा सा और डिफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करोगे तो यहाँ पे हम ये नहीं करेंगे कि टू लूज द एबिलिटी ऑफ डिवाइडेशन, डिवाइडेशन की कैपेसिटी लूज नहीं होती है, दैट मीन्स इनके अंदर पॉसिबिलिटी होगी कि इनमें डिवाइडेशन हो सकता है, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे आओगे तो इनके अंदर डिवाइडेशन की पावर जो है या एबिलिटी जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होती, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हमें ये डिस्कस करना है, हम परमानेंट टिश्यूज़ को पढ़ेंगे, आप इसकी एक थॉरली रीडिंग लगा के रखेंगे, ओके, थैंक यू।